नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सब मैजिकल थिंग्स ऑफ लाइफ में। इसमें आज हम आपको सिर्फ 201 रुपए में कैसे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए इस बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल बटन दबाए जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पायलट फार्म प्रेजेंट, पायलट मशरूम फार्म, अंजीर फार्म, हाइड्रोफोन। ये देखिए दोस्तों, हमारे फार्म के आगे का जो सुंदर नज़ारा है हमारे गांव का, वो आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। गूगल सर्च में जाइए, सारथी परिवहन लिखिए, यहाँ पे आपको साइट आएगी parivahan.gov.in। हाँ, यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए तो ये साइट ओपन हो गई है। साइट में देखिए, यहाँ पे साइट पे आपको आपके स्टेट का नाम डालना होगा, जो भी आपके स्टेट है, महाराष्ट्र, यूपी, जो भी है। हाँ, आप लैंग्वेज भी चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी हो। मैंने यहाँ पे अभी महाराष्ट्र चुन लिया। देखिए ये साइट है, यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जो सर्विसेज दे रही है उसके बारे में आपको दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट, पेमेंट, फी, अगर आपको एप्लीकेशन कैंसिल करना है या आपको फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं या फिर आपको लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, उस बारे में आप सर्विसेज दी गई है। देखिए ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं। अपने को लर्निंग लाइसेंस निकालनी है, उसके लिए अपने को पहले अप्लाई ऑनलाइन पे जाना होगा। तो चलिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे भी अलग अलग सर्विसेज, न्यू लर्निंग लाइसेंस, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस सर्विसेज, कंडक्टर लाइसेंस सर्विसेज, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस करके दिख रहा है। जहाँ पे भी आपने क्या कभी बीच में अटक जाते हो या बीच में आप कुछ काम की वजह से बाहर चले जाते हो, तो आप यहाँ से फिर से आके एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करिए और जहाँ से आपको आपके एप्लीकेशन के बारे में स्टेटस दिखेगा, आपने अगर अधूरा छोड़ दिया हो, कुछ होगा, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो फिर। ठीक है, इसके लिए आपको आपका एप्लीकेशन नंबर ध्यान रखना होगा। अभी तो हमने न्यू लर्नर लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टेजेस दी है, फर्स्ट स्टेज है फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, उसके बाद में सेकंड स्टेज होगी अपनी अपलोड डॉक्यूमेंट्स, थर्ड स्टेज होगी अपनी अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फोर्थ लर्निंग लाइसेंस टेस्ट, स्लॉट बुकिंग, और फिफ्थ है पेमेंट फी। ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, आगे जाते हैं कंटिन्यू करके। ये ध्यान से याद रखिए, 5 स्टेजेस सबमिशन, एप्लीकेशन सबमिशन के लिए 5 स्टेजेस ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए देख लिया आपने। देखिए यहाँ पे अभी अपने को फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन पहले से सिलेक्ट किया, आई डोंट हैव एनी लाइसेंस, इसका मतलब है कि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं इसलिए तो यहाँ पे आप लाइसेंस लेने के लिए आए हैं ना, अभी अप्लाई कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए उसको वैसे ही रहने देते हो, आगे चलते। यहाँ पे आपको कुछ फिल नहीं करना है, यहाँ से अभी आपको आगे बढ़ना है। सबमिट करिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अपन आगे आ गए। यहाँ पे अभी आपको डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपका स्टेट डालिए, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र डाल रहा हूँ, महाराष्ट्र सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ऊपर चलिए। हाँ, यहाँ पे आरटीओ ऑफिस, महाराष्ट्र में आरटीओ ऑफिस, जैसे कि मैं अभी मैं यहाँ पे नागपुर इस डाल रहा हूँ, हो गया। यहाँ भी
आप भी आपको आपकी डिटेल्स डालनी है, आपका नाम लिखिए, जैसे मैंने सपोज लिख लिया रजत, उसके बाद में उसके पिताजी का नाम लिख लिया मैंने रतन रमन रावत। हाँ, यहाँ से अपन स्टार्ट करें। रावत हो गया, रजत रमन रावत, ठीक है। अभी यहाँ पे जो रमन जी है उनका रिलेशन क्या है रजत से, वो डालिए। हाँ, वो उनके फादर हैं, उनका पूरा नाम डाल दीजिए यहाँ पे, फर्स्ट नेम मिडल नेम और लास्ट नेम। ये फॉर्म जो भी हम फिल कर रहे हैं ये मोबाइल से फिल कर रहे हैं, आपके मोबाइल में फिल करेंगे तो सब सेम आपको ऐसे कीपैड वगैरह सब दिखाई देगा, ठीक है। रमन आर रावत, आधार नंबर अगर आप चाहे तो डाल दीजिए, अच्छी बातें डालेंगे तो। पेनर नंबर की डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपका एज पर रिकॉर्ड आपका नाम आ गया है। यहाँ पे अभी आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर ध्यान से सिलेक्ट करिए क्योंकि आप यहाँ पे जो भी डिटेल देंगी वो आपके फॉर्म के साथ आगे जाएगी और आपके कार्ड में आएगी डिटेल। अभी रजत मेल है तो मेल डाल दिया, यहाँ भी उसकी अभी आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो सबसे पहले साल चुनिए, सपोज मैं उसका साल चुन रहा हूँ 1995, ओके। उसके बाद मैं मंथ चुन रहा हूँ, किस महीने में उसका जन्म हुआ है, मई मंथ ले लिया मैंने। अभी उसकी तारीख तय करनी है आपको, ठीक है। देखिए ये आ गया, उसकी एज 22 यहाँ पे मशीन शो कर रही है, ठीक है। अगर चाहे तो आप अपना बर्थ प्लेस डाल सकते हैं, कंट्री इंडिया डाल दें, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। देखिए जो रेड कलर के स्टार दिए हैं वो आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 8 पास, 10 प्लस 2, 10 स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट बिलो 8, ऐसा आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप ओनली ग्रेजुएट है नॉन मेडिकल साइंस तो ये वाला ऑप्शन चुनिए, ठीक है। मैं ये चुन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप डालना चाहे तो डाल सकते, नहीं तो मत डालिए, मगर डालेंगे तो अच्छी बात है, आगे कुछ अगर प्रॉब्लम होता है कभी तो आपके काम में आ जाएगा। मैं चुन लेता हूँ जैसे कि ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव, ओके। फ़ोन नंबर नहीं, आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी भी डाल दीजिए क्योंकि इसके मेल्स वगैरह या जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपके डायरेक्ट ईमेल में आपको मिलती रहेगी। जैसे मैं डाल रहा हूँ xyzab@gmail.com, ओके। अभी यहाँ पे सपोज एक मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 7875705 04, कुछ समस्या है, समस्या का है तो समस्या का समाधान भी है। फिर से डालिए कंप्यूटर जी, हाँ 7875705 04 43, ठीक है। यहाँ पे देखिए इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ये आपके फैमिली पर्सन का डालिए किसी भी जो आपको टाइम पे हेल्प कर सके। हाँ कंप्यूटर जी ये कैंसिल करें, हाँ फिर से डालें 7875 7745 45, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क है, आप चाहे तो डाल सकते, नहीं तो मत डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए आपका परमानेंट एड्रेस आ गया है, यहाँ पे स्टेट चुना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट आप डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट जैसे मैं नागपुर चुन रहा हूँ, महाराष्ट्र में नागपुर, डिस्ट्रिक्ट नागपुर, तहसील भी नागपुर, नागपुर रूरल, नागपुर अर्बन,
अर्बन। तो यहाँ पे रूरल डाला है तो यहाँ पे आपको टाउन चुनना होगा, विलेज आमगांव। यहाँ पे एड्रेस में आपका घर का नंबर डाल दीजिए, जो भी होगा, प्लॉट नंबर, घर नंबर, मकान नंबर, जो भी डालना है। कंप्यूटर जी जल्दी जल्दी करिए, जरा डालिए फटाफट एड्रेस, आपकी मर्जी से जो भी डालना है आपका जो है वो डालिए। यहाँ पे हम एक सपोज करके डाल रहे हैं कि ये एड्रेस ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी डिटेल देंगे वो आपके फॉर्म के साथ आपके आईडी में आएगी, इसलिए ध्यान से डालिए। एक फॉर एग्जांपल के लिए आप सर, आपके लिए हम कंप्यूटर जी डाल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अभी पिन कोड डाल लीजिए कंप्यूटर जी। हाँ 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 बराबर है, आगे बढ़िए। हाँ चलिए, देखिए यहाँ पे दिया है आपका परमानेंट एड्रेस, तो वही सेम आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस होगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं सिलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल्स, यानी आपको कौन सी लाइसेंस बनाने की। जैसे आप यहाँ पे आए हैं मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस बनाने के लिए, तो मोटरसाइकिल विद गियर और साथ में नॉन ट्रांसपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना, ठीक है। उसके बाद में आपको ये जो एरो है इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके नीचे लाना है उसे। यहाँ पे आ गया मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं है। हाँ ये डिक्लेरेशन देखिए, आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ। अगर आपकी एक्सीडेंट डेथ हो जाती तो आप करना चाहते हो क्या आपका ऑर्गन डोनेट, तो करना होगा तो यस करिए या फिर रहने दीजिए। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन तो सिलेक्ट है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड विलीव गिव अबव, यानी ऊपर दी गई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सही डाली है, ये आप बता रहे हैं, अभी सबमिट कर दीजिए। ओके ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सब आपकी जानकारी आ गई है। आपका एप्लीकेशन नोट डाउन कर लीजिए, एप्लीकेशन डेट, ब्लड ग्रुप, एप्लीकेशन जेंडर, नाम, बर्थ डेट, फादर नेम, सब आ गया है। आप इसकी जब आप यहाँ से नेट कैफे जाएंगे तो आप वहाँ पे आपका एप्लीकेशन ओपन करके इसके कॉपी निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट, ठीक है। ये देखिए ये सर्विस आप ले रहे हैं लर्निंग लाइसेंस की, इसमें आपको अभी डॉक्यूमेंट प्रूफ रिक्वायर क्या क्या है, फॉर्म वन डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये आपको अभी आपको जोड़ना है इसे, उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए कोई अपने कोई जल्दी नहीं है, आपकी इतनी टाइम सेव कर रहे हैं, हम पैसा बचा रहे हैं। देखिए ये एप्लीकेशन एड्रेस आ गया आपका, आरटीओ लोकेशन आ गया, ठीक है। यहाँ से आप इस पेज को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, ये देखिए यह आपकी यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैंने आपको जो बोला था प्रिंट फॉर्म वन, फॉर्म वन ये आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा नेट कैफे से, और प्रिंट फॉर्म वन ए ये भी निकाल लीजिएगा, और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, ये तीनों चीज़ें आप एक एक प्रिंट, एक एक कॉपी प्रिंट निकाल लीजिएगा, जो आपको वहाँ पे सबमिट करना रहेगा, ठीक है। और वो फॉर्म वन है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको बाद में फिल करके जोड़ना है। देखिए ये स्टेजेस है, फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, कंप्लीट हो गया आपका, अभी आपको डॉक्यूमेंट फिल करना वो पेंडिंग है, स्लॉट बुकिंग पेंडिंग है, फी पेंडिंग है, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है, उस पर क्लिक करें अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे, प्रोसीड। ये जो भी है अभी आपके सामने फॉर्म फिलिंग चल रहा है, ये मेरे खुद के मोबाइल से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आए, यहाँ पे ओके कर लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ गए, डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है वो देखिए, आपको एज प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ एंड फॉर्म वन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको यहाँ पे जोड़ने हैं,
प्रूफ के तौर पे, तो पहला है आपका एज प्रूफ। एज प्रूफ पे क्लिक करें। कंप्यूटर जी ज़रा जल्दी करें। हाँ, एज प्रूफ, देखिए एज प्रूफ में आपको क्या क्या जोड़ना है, आप स्कूल एजुकेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जोड़ सकते हो, पासपोर्ट जोड़ सकते हो, आप बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्यूनसिपालिटी वगैरह जोड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जोड़ दिया है। अभी आपको यहाँ पे उसकी फाइल अटैच करने के लिए आप एक तो कैप्चर कर सकते हो आपके मोबाइल से, इस कैप्चर ऑप्शन पे सिलेक्ट करें और फ़ोटो निकाल लीजिए आपके फ़ोन से और सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपके पास पुरानी इमेज होगी तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए या फाइल से ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर नेट से जो भी चीज़ जोड़ेंगे वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कम MB में, और तब जाके यहाँ पे वो ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या जोड़ सकते हो, तो दिखाइए कंप्यूटर जी। हाँ, ये देखिए, पासपोर्ट, वोटर ID, उसके बाद में आधार कार्ड, उसके बाद में इलेक्ट्रिक बिल, पासपोर्ट इश्यू बाय बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल से अच्छा है कि आप राशन कार्ड वगैरह भी यूज कर सकते हो, या फिर आधार कार्ड सबसे बेस्ट है। इलेक्ट्रिक बिल आपके नाम पे नहीं है तो वो मत जोड़िए, आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, वो जोड़ दीजिए आपका एड्रेस प्रूफ करके। वो जोड़ दिया हमने, वो आगे हो गया। सेम जैसे मैंने आपको बताया था, कैप्चर करके उसकी फ़ोटो डाल दीजिए और जोड़ दीजिए। अभी नेक्स्ट है आपका फॉर्म 1, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वो अभी मैंने बाहर आपको बताया था कि आपको प्रिंट करना है नेट कैफ़े जाके, वहाँ से प्रिंट कराइए, उसको फिल करें, और फिल करने के बाद उसकी आपके मोबाइल से फ़ोटो निकाले और यहाँ पे अटैच कर दीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में ही दिया है हमारे एड्रेस के साथ, या कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो किस तरह किया जाए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ये देखिए आपका अभी सेकंड स्टेप हो गया है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है क्योंकि हमने यहाँ पे जोड़ा नहीं, मगर आपको जोड़ना है, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जोड़ेंगे। अभी नेक्स्ट है स्लॉट बुकिंग, LL स्लॉट बुकिंग, ये पेंडिंग है। ये कैसे बुक करने का स्लॉट बुकिंग, यानी वहाँ पे टेस्ट देने के लिए, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करें कंप्यूटर जी, फटाफट प्रोसीड। ठीक है, ये देखिए आगे, ठीक है, ये देखिए जो कलर्स दिख रहे हैं कैलेंडर, ये आपके कैलेंडर में कौन से डेट्स हैं। जो ग्रीन कलर का वो स्लॉट अवेलेबल्स है, जो रेड है वो नोट सीट्स अवेलेबल है क्योंकि वो बुक हो चुकी है, और जो ब्लू कलर के वो हॉलीडेज हैं, ठीक है, और जो सीमेंट कलर के दिख रहे हैं वो प्रीवियस या फ्यूचर करके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी फेब मंथ चल रहा है और ये मे मंथ के डायरेक्ट अपने आपको डेट दिखा रहे हैं, यानी अभी 2 महीने पूरा फुल बुकिंग चल रहा है। आप जितनी जल्दी हो सके आप अपना बुक करा लीजिए और अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी 9 तारीख मैं ले रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए 9 तारीख मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि वो अवेलेबल है 9, 10, 11। देखिए 9 तारीख के लिए, 9 तारीख का क्या क्या शेड्यूल है यहाँ पे अभी आपको दिखाएगा नीचे। देखिए टाइम्स दिए, अलग अलग टाइम्स दिए स्लॉट बुकिंग के, इसमें आपको दिए कि किस टाइम स्लॉट में कितनी सीट्स बची है आपके लिए। ये देखिए 11 से 11:30 में 6 है, 11:30 से 12 में 2 है, 12 से 12:30 में 0 है, ठीक है। ये देखिए आप इसमें से आपको जो भी इनका टाइम सूटेबल है वो आप क्लिक कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये जो यहाँ पे सीट्स स्लॉट्स बुकिंग दिखाई दे रहे हैं ये नागपुर के, सॉरी नागपुर अभी प्रेजेंट में, अभी आज की डेट है 12 फरवरी 2018, ठीक है। तो प्रेजेंट की कंडीशन में ये आपको स्लॉट बुकिंग मिल रही है मई मंथ की, 9 मई 2018 की आपको स्लॉट बुकिंग मिल रही है, ठीक है। ये देखिए आपकी प्रीव्यू दिखा रहे हैं आपको कि आप अभी आपको कंफर्म करना है स्लॉट बुकिंग करके, ये आपकी डेट और टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्लॉट बुकिंग कंफर्म। अगर आपको कंफर्म करना होगा तो आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा इसका। ये देखिए आपकी पूरी डिटेल और मोबाइल नंबर के साथ कंफर्म हो गया, ठीक है। ये देखिए ये आपका एप्लीकेशन लर्नर लाइसेंस टेस्ट करके जो आपको नंबर मिला है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर के साथ सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको आप सेव एज PDF करके सेव कर लीजिए, या प्रिंटआउट निकाल लीजिए वहाँ पे नेट कैफे पे जाके, ठीक है। ये सब हो गया,
देखिए आगे यहाँ पे जो प्रिंट फॉर्म वन है वो आप निकाल लीजिए, प्रिंट फॉर्म वन भी निकाल लीजिए, और जो प्रिंट LL स्लॉट एक्नोलॉजमेंट है उसकी भी प्रिंट और एक निकाल लीजिए। ठीक है, ये देखिए आगे आपका फ़ी पेमेंट बचा है जो पेंडिंग है, वो आप फ़ी का पेमेंट कर दीजिए। आप ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं या वहाँ पे स्पॉट पे भी कर सकते हैं, मगर यहाँ से करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रोसीड कर दीजिए कंप्यूटर जी, जल्दी करें फ़ी पेमेंट बुकिंग। प्रोसीड। हाँ ये देखिए आप SBI, अगर आप SBI पेमेंट आपके पास कार्ड है और डेबिट कार्ड आप क्रेडिट कार्ड उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये देखिए सिर्फ 201 रुपए में, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, सिर्फ 201 रुपए में आप लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आप बुक कर रहे हैं। देखिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल पेमेंट के बारे में पूरी करके क्लिक कर लीजिए, पेमेंट पे कर लीजिए और आगे बढ़िए। नेट कैफ़े में जाइए, वहाँ से दो तीन जो आपकी फॉर्म वन है, फॉर्म वन ए है और आपका निकल LL स्लॉट बुकिंग की जो भी प्रिंट आउट निकालनी है वो तीनों प्रिंट आउट निकाल लीजिए। वहाँ पे जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भी आप फिलअप करके क्लिक कर निकाल लीजिए, उसको फिल कर लीजिए, उसकी फ़ोटो निकाल के यहाँ पर अटैच कर दीजिए और आपका फॉर्म एकदम रेडी है। आप जाके अपनी लाइसेंस निकालिए, वहाँ पे आपको कंप्यूटर टेस्ट देना होगा, वो कंप्यूटर टेस्ट दीजिए और आप जाके कंप्यूटर टेस्ट दीजिए। कंप्यूटर टेस्ट में आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पे आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, आपको जो भी समस्या आती है आप आगे की वीडियो हमारा देखते रहिए, उसके आगे आप हमें बताइए, अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहती हो तो कमेंट्स करिए, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। धन्यवाद।